जी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। अम्मी बना रही है, अम्मी ने मेरे लिए तो नाश्ता बना दिया है। सुबह इतनी जल्दी उठ गई थी अम्मी। और आज है हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पे मेरा नाश्ता तो अम्मी ने बना दिया है। और हाँ जी, और मैं आपको दिखाऊंगी बेबी कोट वगैरह, हनी भी उठ गए, अभी मेरे कपड़े इस्त्री होंगे। ये मेरा नाश्ता है, मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ फिर फटाफट रेडी होती हूँ, क्योंकि जुहा भी सो रही है, उसको भी उठाया मैंने फटाफट से, क्योंकि टाइम कम है। उन्होंने कहा था कि 6 बजे नाश्ता कर लीजिएगा आप, तो मैंने नहीं किया, लेट हो गई मैं, लेकिन जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट नाश्ता करती हूँ। तो ये है हमारा मॉर्निंग का नाश्ता, ये जैम है। जल्दी जल्दी से फटाफट नाश्ता करते फिर रेडी होते हैं। ये सूट पहन के जाऊँगी मैं, तभी ये प्रेस करती हूँ, फिर नहा के आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैर आप कैसे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। अब फाइनली वो दिन आ गया जब हम जा रहे हैं आज हॉस्पिटल अपनी डिलीवरी के लिए, बेबी के लिए। सारा सामान पैक हो चुका है, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जोहा को अम्मी ने ला रही हैं, अम्मी जो है अभी घर में रुकेंगी, मैं हस्बैंड और बहनें हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। सारा काम सारा सामान मैंने पैक कर चुकी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो आप लोगों ने कहा था ना आपकी टॉवल भी रख ले, जो तो मैं चीज़ें भूल गई थी, मैंने वो भी रख ली है अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ शुक्र है अल्लाह का। तो बस निकल रहे हैं और वहाँ पर जाके आपको दिखाएंगे। फाइनली इंसान की घड़ियाँ ख़त्म, आप लोग ही बोल रहे थे आपकी आपके बेबी का इतना वेट हो रहा, तो आप लोग सब ने दुआओं में याद रख रहे हैं सबसे पहले मुझे, कि अल्लाह पाक मुझे और मेरी बच्चे को ज़िंदगी दे, सेहत दे। और जिस जिसने मुझे कहा था ना कि आप ही वाले दुआ कीजिएगा कि हमारे बेबी हो जाए, जिनके नहीं औलाद, अल्लाह पाक उन सबको औलाद दे सेहत और ज़िंदगी वाली, और नेक औलाद से नवाजे। जिनके औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे, और सबके घरों में खैर बरकत रोज़ ज़कात अता फरमाए। और मेरी अगर कभी किसी को भी मेरी कोई बात कभी भी बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो आप लोग सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी चल रहे हैं, बस सामान रख रहे हैं, कंबल वगैरह भी मैंने रख लिया है, आपको दिखाती हूँ। और हमने कुछ बेबी की चीज़ें ली हैं नई, वो भी दिखाती हूँ आपको। देखें जी, ये लिया है हमने बेबी का कोट नया, ये देखें जी, ये जोहा की फ्रॉकें धुल के आई थी, उन्होंने सब में कोट में रख ली, इसमें सो रही थी, तो ये हमने बेबी का कोट लिया है। ये मैं उस कमरे में सेट करूँगी जब बेबी आ जाएगा, ये वाला। और हमने एक चीज़ बहुत काम की चीज़ थी ना वो लगवाई है, और वो है ये गीज़र। ये हमने बेबी के लिए लगवाया है, ताकि जो है ना बच्चे को, आपको पता नहाने नहाने में कितनी परेशानी होती है, बच्चों को गर्म पानी चाहिए था, अगर सर्दियाँ आ रही, तो हमने ये गीज़र लगवाया है। ये इलेक्ट्रिक गीज़र है, तो ऐसे गैस का कोई ताल्लुक नहीं, गैस तो होती नहीं है, तो इस वजह से ये हमने गीज़र लगवाया है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ये वाली। अब यहाँ पे जो है ना पूरा सामान पैक हो चुका है। अम्मी जो है जब तवा वगैरह अम्मी जो बनता है खाना को लेकर आएंगी, इधर अम्मी बैठी हैं, अम्मी दुआएं कर रही हैं कि अल्लाह पाक साथ मेरे से फारिग करे। जोहे कपड़े निकाल दिए, जोहा को आई इन्फेक्शन हो गया, मैंने मना किया था, सामने घर में आई इन्फेक्शन हो रहा था, मैं इनको मना करके गई थी कल जब मैं हॉस्पिटल गई थी कि बेटा जाना नहीं, ये कल, हाँ ये कल उनके यहाँ गई, इनको आई इन्फेक्शन हो गया, तो चलो इनका गिलासेज आके रखें। तो ये भी नहाने के लिए रेडी है, अम्मी नहलाएंगी इनको, फिर हनी आके इनको ले जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने बैग पैक कर लिया बेबी का, और मेरा जो एक सामान था वो भी मैंने रख लिया है, साथ में हमने कंबल निकाल लिया, हनी इसका कवर निकाल लें कंबल का। और ये जो है ना हमने एक बिस्तर रख लिया है, ये वाला बेबी इसमें लिटाएंगे, कितनी हैप्पी हो रहे हैं, सब हैप्पी हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं खुश हो रही हूँ कि फाइनली आज ये टाइम ख़त्म हो गया। हाँ चले जी, ऐसे ऐसे रखेंगी आप, चलिए जी अब निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल जाके इंशाल्लाह। आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे सब। पूरा बैग कैसे लेके जा रहे हैं सारा सामान। हॉस्पिटल पहुंच गए, सामान सारा हो रहा, बस अभी हनी रूम कब कर रहे हैं, फिर रूम हो जाए तो फिर लोग रूम में जाते हैं सुकून से। अभी तक आना नाम भी नहीं पहुंची ना, बस पहुँची रास्ते में, फिर यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। तो अभी जोहा को भी अभी तैयार करके ना, तो उसको भी ले आएंगी, अभी रूम में जाके ना सुकून से फिर बात करते हैं, सारा सामान लेकर आ जाए हम लोग बच्चे का भी सबका। चलो जी चलो,
कर रहा है काका नाश्ता आंटी के साथ बैठ के। काका ने नाश्ता नहीं किया था और यहाँ ये रेडी हो गई। काके को अम्मी ने मिला धुला के छुटिया बना के भेज दिया। काका पर चश्मा भूल कर आ गया। अब जाओगे ना कल अगर लेके आना? यहाँ पे हमें भी उन्होंने रेडी कर दिया है पहना के, तैयार कर दिए ले जाने के लिए। बस ले जाने के लिए तैयार है। अब डॉक्टर का वेट हो रहा है, आती है फिर हम जाते हैं। काफी लोग बोल रहे थे आप ऑपरेट क्यों करवा रही है, तो मैं कोई जान के ऑपरेट नहीं करवा रही। मेरा मेरी जो भी पहले ऑपरेशन से हुई हुई है और अभी मेरा थोड़ा केस भी थोड़ा सा ऐसी कंडीशन है, इसलिए ऑपरेट ही करना था। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, आप लोग सब दुआ कीजिएगा। तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। बस अपने दुआओं में याद रखना है और बस इंशाल्लाह। अपना पिंक बैग क्यों लेकर आई आप? तो भाई हमें अल्लाह के बरकरार है, मैं दो बिस्तर लेकर आई हूँ, एक पिंक और एक ब्लू। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा छोटा बड़ा वाला जो है ना वो फुल जो ज्यादा वाला है वो मैं घर छोड़ के आई हूँ, घर में इस्तेमाल करेंगे। ये छोटा यहाँ तक के छोटा सही है, यहाँ तक के छोटा सही है। तो मैंने कहा यार जब मैं आऊंगी ऑपरेशन फिर मेरा कंबल लगा लूंगा, क्योंकि बहुत ठंड लगती है, तो इधर कंबल लगा लेंगे इंशाल्लाह। फाइनली वो दिन आई गया, ऐसे उंगलियों पे गिन गिन के मैं तो अल्लाह इतनी परेशान हो गई थी, अल्लाह कब आएगा वो दिन, कब आएगा। और इस खुशी उंगलियों पर नींद भी नहीं आई, हालांकि आराम लगाया था मैंने सुबह का, वो भी मैंने हटा दिया। मैंने कहा नींद आई नहीं तो अल्लाह में क्या फायदा, पूरी रात जाके गुजारी मैं, पूरी रात मैं कहते रात जाके गुजारी, एक और खुशी की रात जाके गुजार लेते। अभी तो एक जोहा और अभी मैंने फोन किया है एरोप्लेन वाले को, वो कह रहा बस मैं आ रहा हूँ जोहा के लिए बेबी लेकर। अभी चश्मा लगा रहे नहीं होता, मैं कॉलिंग में जो हुई नहीं, मुझे तो वैसे उन्होंने दो तीन घंटे पहले कहा था कि आपने डेट करके ली। नाश्ता फिनिश कर लो, तंग नहीं करना किसी को भी, ओके। हाँ, और सारी उसकी ज्वेलरी लेके बैठी थी मैं, आना की ना निकाल के बैठ गई सारी ज्वेलरी, ये पहले ही शादी में आई गई हॉस्पिटल में। रख लेती है पर्स में, कभी आने वाली की आती है आंटी पर्स में रख लेती है। चले अब डॉक्टर का वेट हो रहा है, अब डॉक्टर आ गई है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इंशाल्लाह। इनको लेके चले गए ऑपरेशन के लिए, ऑपरेट है इनका, आप सबको पता है। और हम सब दुआ कर रहे हैं, आप लोगों से भी दुआ की अपील है। सब बहनें ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हुई, अम्मी भी, मैंने अपनी भी सिस्टर को फ़ोन कर दिया, वो भी आने वाली है। और आप लोग हमारी फैमिली हैं, जो भी गुड न्यूज़ होगी हम सबसे पहले आप लोगों से शेयर करते हैं। बस आप लोगों से ये अपील है कि आप दुआ करें मेरे बच्चे के लिए, बेगम के लिए। और हम लोग भी सब टेंशन में दुआएं कर रहे हैं, आप लोग भी करें दुआएं। बाकी जो भी गुड न्यूज़ होगी हम ज़रूर आपको देंगे। और बाकी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।